हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हम पढ़ने वाले हैं कि पेंडुलम की डेफिनेशन क्या है, आइडियल डेफिनेशन, प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि पेंडुलम SHM परफॉर्म करता है, ये हमें प्रूव करना है। और उसके बाद में जब पेंडुलम SHM परफॉर्म करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन हमें ढूंढना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पेंडुलम हम ड्रॉ करते हैं। सबको मालूम है पेंडुलम क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट होता है, ठीक है। इस रिजिड सपोर्ट से किसी स्ट्रिंग के सहारे से कोई एक हेवी मेटल का स्पीयर होता है जिसको सस्पेंड किया जाता है, और इस मेटल के स्पीयर को हम बोल देते हैं बॉब। इस मेटल के स्पीयर को हम बोल देते हैं बॉब, ठीक है। तो ये होता है आपका पेंडुलम। लेकिन इसका आइडियल डेफिनेशन और प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या होता है वो हमारे सिलेबस में जो है पढ़ना जरूरी है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं आइडियल पेंडुलम। अभी क्लास 11 में एक चैप्टर है फोर्स, उसमें हमने पढ़ा है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी पे फोर्स लगाने के टाइम पे बॉडी के किस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं वो हमें डिसाइड करना जरूरी होता है। और उस कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है जिसका साइज कितना होता है, पार्टिकल के साइज जितना होता है। जितना भी फिजिक्स में हमें स्टडी करना है ना, वो हम कैसा करते हैं, बॉडी को कितनी भी बड़ी बॉडी हो उसको पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकल का मोशन हम स्टडी करते हैं, और जो पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहा है हम मानते हैं कि बॉडी भी उसी तरह से बिहेव करती होगी, ठीक है। तो इसमें आइडियल पेंडुलम की डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे, ये जो बॉब है ये हेवी स्पीयर है, लेकिन आइडियल पेंडुलम मतलब जो कि बहुत परफेक्ट है, जो एक्चुअल में होता नहीं है। आइडियल पेंडुलम एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये जो बॉब है ये हेवी स्पीयर है रियल में, लेकिन आइडियल में उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। और पार्टिकल कैसा होगा, पार्टिकल होगा हेवी होगा। पार्टिकल कैसा होगा, हेवी। तो आइडियल डेफिनेशन कैसे बनेगी कि एक हेवी पार्टिकल होगा जिसको सस्पेंड किया जाएगा, किसके सहारे से, स्ट्रिंग के सहारे से। और स्ट्रिंग भी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। मैं फिर से आपको बता दूं, ये आइडियल पेंडुलम की डेफिनेशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहला आइडियल डेफिनेशन में क्या है पेंडुलम की, कि जो बॉब है वो बॉब की जगह पे हम क्या बोलेंगे, हेवी पार्टिकल बोलेंगे, छोटा सा पार्टिकल। और स्ट्रिंग जो है जिसके सहारे से, जिसको यूज करके हम इस बॉब को सस्पेंड करने वाले है, वो कैसी होनी चाहिए, मासलेस, मतलब कुछ मास है ही नहीं उसमें, ऐसा होता नहीं है, गैस को भी मास होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तो मास होगा। तो ये आइडियल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन बनाएंगे कैसे, द आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज अ हेवी पार्टिकल, अ हेवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। और कहां से सस्पेंड किया है, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, बॉब है। ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। और ये जो बॉब है उसका साइज कितना होना चाहिए, पार्टिकल के साइज जितना होना चाहिए। तो ये था हमारा आइडियल पेंडुलम का डेफिनेशन। लिखते वक्त कैसे लिखोगे, आइडियल सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज द हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। ये हो गया आइडियल पेंडुलम का डेफिनेशन। अभी बनाते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन। तो अभी हेवी पार्टिकल की जगह पे क्या आ जाएगा, हेवी पार्टिकल की जगह पे आ जाएगा हेवी स्पीयर, ठीक है, हेवी स्पीयर। ये है स्पीयर जिसकी साइज पार्टिकल से बड़ी होगी, तो पार्टिकल को रिप्लेस करके स्पीयर लिख देंगे। और मासलेस तो नहीं हो सकती स्ट्रिंग कोई भी जो है, तो मासलेस की जगह पे क्या लिख देंगे, लाइट लिख देंगे। उसका वेट, उसका मास जो हो बहुत कम हो, मासलेस तो कोई होगा नहीं, लेकिन मास जो होगा स्ट्रिंग का बहुत ही कम होगा, और स्ट्रिंग वापस इनएक्सटेंसिबल हो सकती है, ठीक है। तो वापस इधर स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, इनएक्सटेंसिबल। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन कैसे बनेगा, द प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज अ हेवी स्पीयर, अ हेवी स्पीयर विच इज सस्पेंडेड
विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। ये वाली थ्योरेटिकल डेफिनेशन से पूछी जा सकती है एक एक मार्क के लिए, तो इम्पोर्टेंट है, आपका पढ़ना जरूरी है। ठीक, ये तो देख लिया हमने कि आइडियल पेंडुलम और प्रैक्टिकल पेंडुलम क्या होता है और पेंडुलम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेंडुलम सिर्फ इतने पार्टिकल को बोलते हैं। अगर आइडियल है तो सिर्फ इस बॉब को या सिर्फ इस पार्टिकल को पेंडुलम बोलना है, अगर प्रैक्टिकल है तो इस स्पीयर को पेंडुलम बोलना है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस पूरे सिस्टम को, रिजिड सपोर्ट है, उसके बाद में स्ट्रिंग है, उसके बाद में बॉब है, इस पूरे सिस्टम को, स्ट्रिंग और बॉब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। वो भी चलता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बोलना हो तो इस बॉब को या फिर इस पार्टिकल को ही क्या बोलना है, पेंडुलम बोलना है। पूरे सिस्टम को भी बोला तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम का इंट्रोडक्शन, आइडियल पेंडुलम का डेफिनेशन और प्रैक्टिकल का डेफिनेशन। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या परफॉर्म करता है। ये पेंडुलम SHM परफॉर्म करता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, मतलब ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। तो उसके लिए क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम प्रूव कराते हैं कि जो पेंडुलम है या फिर जो बॉब है वो क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए फिर से पेंडुलम ड्रॉ किया है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये बॉब है। ठीक है, OA क्या है, ये इतनी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चलो एक बॉब है, जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, एक मेन पोजीशन पे है। जो ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब जिस पॉइंट से इस बॉब को स्ट्रिंग का यूज करके हमने क्या किया है, सस्पेंड किया है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये सेंटर वाला, एक्चुअल में क्या होता है, जो लेंथ मेजर करते हैं ना हम पेंडुलम की लेंथ भी मेजर की जाती है। तो लेंथ हमें लगता है कि यहां से यहां तक ही लेंथ है, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी ही पेंडुलम की लेंथ हम मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बॉब है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो वो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेकिन क्या होता है, ये जो बॉब होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो ये रेडियस इतना मैटर नहीं करता है, इस लेंथ से कंपेयर करके तो ये रेडियस बहुत ही छोटी होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। और उसी की वजह से जो लेंथ का स्ट्रिंग होता है, जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसी को हम मान लेते हैं पेंडुलम का लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हमने क्या बोल दिया, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, सेंटर जो होता है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो पोजीशन, देखो अभी क्या है, सिर्फ एक स्ट्रिंग है और एक बॉब है, एकदम लटका हुआ है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, बॉब एकदम स्टेडी है। तो उस स्टेडी पोजीशन को बोलते हैं हम, जब ओए रहेगा, ओए को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, और उसको बोलेंगे बॉब अभी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा है, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है। कैसे जीरो है, नीचे इसको ग्रेविटी लग रहा है जो इसको खींचने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ऊपर जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से बॉब नीचे नहीं जाता। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इस पे लगने वाला टेंशन और एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण फोर्स जीरो हो जाता है और बॉब कैसा हो जाता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अभी मान लो मैंने क्या किया, इस बॉब को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैं इसको यहां लेके आया, ज्यादा देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना है। इस बॉब को मैं यहां से यहां लेकर आया, ये है बॉब का नया पोजीशन। तो स्ट्रिंग भी ऐसी नहीं रहेंगी, स्ट्रिंग अभी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग अभी ऐसी हो जाएगी, लेंथ तो उतनी रहेगी, ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये है उसका कुछ देर बाद का पोजीशन। तो स्ट्रिंग का पहला पोजीशन और स्ट्रिंग का दूसरा पोजीशन इसमें क्या बन गया, एक एंगल बन गया। ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल को बोलेंगे, पहले बोलते थे सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, अभी इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर एम्पलीट्यूड। थीटा है मतलब एंगल है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है रोटेशनल डायनामिक्स में, यहां से यहां पे जा रहा है तो इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या फिर एंगुलर एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो
पहला बात यह है कि जो हमें प्रूव करना है कि पेंडुलम SHM परफॉर्म करता है, उसको प्रूव करने के लिए हमें ना बहुत assumptions यूज करने हैं इसमें। ये पेंडुलम का जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ना तो assumptions बहुत सारे हैं। पहला assumption क्या है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट आप दोगे वो बहुत क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये जो बॉब है इसको ऐसा ज्यादा दूर नहीं लेके जाना है आपको, इस बॉब को सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको इतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करना है, सिर्फ ऐसा थोड़ा सा धक्का लेना है, ऐसा ऐसा परफॉर्म करेगा वो ऑसिलेशन, ठीक है, उसी में हमें प्रूव करना है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दे दिया तो वो लीनियर SHM नहीं आएगा या फिर SHM नहीं आएगा, प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला असम्पशन क्या है, जो भी डिस्प्लेसमेंट देना है वो डिस्प्लेसमेंट आपको कैसा देना है, बहुत ही छोटा देना है। मतलब क्या करना है, थीटा भी बहुत क्या करना है, स्मॉल रखना है। अगर जितना दूर जाएगा बॉब उतना थीटा बढ़ेगा। अगर बॉब को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया लीनियर भी सोचे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो थीटा भी क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। ये पहला असम्पशन है। दूसरा, लेंथ जो होगी ना, लेंथ जो होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा, मोर लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ लोगे आप उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और थर्ड, ओनली वन वर्टिकल प्लेन में, सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन में क्या करना है, इसको डिस्प्लेसमेंट देना है। वही है, ये बात और ये बात आसपास सेम ही है क्या, इतना ज्यादा ऊपर नहीं लेके आना है, ज्यादा ऊपर लेके गए तो ऐसा प्लेन हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल प्लेन भी हो जाएगा। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही प्लेन में, एक्स प्लेन में ही हमें क्या चाहिए, इसका ऑसिलेशन चाहिए। तो ये जो है, ये तीन जो आपका हमारे assumptions है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन assumptions नहीं रहेंगे तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो पहला assumption क्या है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। सेकंड, लेंथ ज्यादा रहो। और थर्ड, ये जो बॉब है आपका, ये बॉब ने सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट होना चाहिए, ठीक है। ओ पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के अलोंग ही क्या करने वाला है, वो अभी वो SHM परफॉर्म करने वाला है। OA को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे assumptions भी हो गए। assumptions के बाद क्या करेंगे, assumptions के बाद हम देखेंगे कि ये जो पोजीशन है बॉब का, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो पहला फोर्स कौन सा लगेगा, चलो ये मिटा देता हूं मैं। पहला फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा, जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉब को क्या करेगा, नीचे लाने का प्रयास करेगा, लेकिन जाता नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन होता है। ये बॉब जैसे इधर आएगा, ये स्ट्रिंग तो हमारी टाइट रहेगी, मतलब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, और टेंशन क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, तो mg पहला फोर्स निकाल लिया मैंने। अब ये देखो, mg तो है हमेशा क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन टेंशन जो है वो टेंशन ऐसा इंक्लाइंड है, तो हमें आदत बना लेनी चाहिए, जब भी हमें इंक्लाइंड फोर्सेस दिखते हैं तो उन इंक्लाइंड फोर्सेस को क्या करो, रिजॉल्व करो, ठीक है। या फिर दूसरा कोई जो है परपेंडिकुलर वाला फोर्स है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स, उसको रिजॉल्व करो, ताकि उसका कोई कंपोनेंट एक दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के साथ मैच कर जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिजॉल्व करने से अच्छा मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, mg को, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से। एक्सटेंड करने से वजह से क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन देखो और ये वाली देखो, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसवर्स हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या है आपका, ट्रांसवर्स। तो अभी स्केलर वेक्टर में जाएंगे, स्केलर वेक्टर में पढ़ा था हमने 11th में, मान लो ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है, और उसका अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है तो हम ऐसा परपेंडिकुलर डालते थे और ये हो गया एक्स कंपोनेंट, और इसकी लेंथ निकालती थे हमें आर कॉस थीटा, और ये जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो निकलता था आर साइन थीटा। अब यहां पे आर की जगह पे कौन है, एमजी है, और इससे हमें क्या पता चलता है, जिस एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है उस एक्सिस के अलावा वाला कंपोनेंट क्या रहता है, कॉस थीटा, और जिस जो एक्सिस परपेंडिकुलर है दूसरा वाला एक्सिस उसके अलावा क्या रहता है, साइन थीटा। तो
तो ये बात समझनी चाहिए, और इस बात समझ के हमने mg को अगर रिजॉल्व किया तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा हमारा mg cos थीटा, क्योंकि इसके साथ में एंगल बना है ये वाले लाइन के साथ, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा और वो क्या होगा mg sin थीटा। तो mg cos थीटा इसके अलावा आएगा और mg sin थीटा इसको परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, टेंशन को रिजॉल्व कर दिया। पहले बॉब पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, पहला लिख लिया हमने कि mg डाउनवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, और दूसरा लगेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। उसके बाद में हमें क्या करना है, टेंशन को रिजॉल्व करना है, सॉरी किसको, mg को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व mg, mg को अगर रिजॉल्व कर लिया हमने मतलब उसके कंपोनेंट्स बना लिए तो क्या हो जाएगा। जैसे ही हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं तो हमें अभी मैथ्स शुरू करना है, मैथ शुरू करके हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड इसका निकाल लेंगे। लेकिन कैसे, देखो ये टी का डायरेक्शन अपवर्ड है इस तरह से, और उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन अपोजिट किसका है, mg cos थीटा, ठीक है। तो बॉब उसकी जगह पे फिक्स है, मतलब इधर इधर हिलेगा बॉब, ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये जो डिस्प्लेस्ड पोजिशन है, इस डिस्प्लेस्ड पोजिशन पे ये टेंशन और ये mg cos थीटा दोनों एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो मैच कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इन दोनों ने तो मैच कर दिया, अभी बचता कौन है, mg sin थीटा। अभी mg sin थीटा क्या काम का है, तो mg sin थीटा का बहुत ज्यादा काम है, ये जो फोर्स है इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है नहीं। जैसे mg cos थीटा को टी ने बैलेंस कर दिया, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है नहीं अपोजिट साइड में, तो mg sin थीटा का काम क्या है, तो mg sin थीटा का काम है ये बॉब जब यहां से यहां पे जाएगा, इस बॉब को वापस भी तो लाना है, ठीक है, वापस इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है mg sin थीटा, और जब बॉब को वापस मेन पोजिशन पे लाने वाला फोर्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स मेन पोजिशन। तो ये जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा आपका क्या एक्ट होगा, आपका रेस्टोरिंग फोर्स बोल के एक्ट होगा, ठीक है। mg sin थीटा क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स। और अगर आपको मालूम होगा रेस्टोरिंग फोर्स जो है, अभी sin थीटा देखो, जैसे जैसे यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने क्या बोला था, एडम्पशन थीटा बहुत ही स्मॉल रखना है, ठीक। तो mg sin थीटा क्या है, हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है, तो फिर मैं यहां पे लिख दू F restoring, restoring force is equal to mg sin theta। अभी यहाँ पे ठीक से देखना, mass scalar quantity है, acceleration due to gravity है, ठीक है, downward direction है और sin theta है। ये force पूरा कौन सा quantity है, vector quantity है, और ये theta क्या है, displacement है, theta क्या है, displacement। जैसे जैसे बढ़ेगा theta वैसे वैसे sin theta बढ़ेगा, ठीक है, displacement का direction है इस side, और आपका फोर्स का डायरेक्शन है इस साइड। ये जो लिखा है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, और अगर हमें क्या लिखना है, अगर हमें लिखना है कि डायरेक्शन के साथ में लिखना है, तो एफ रेस्टोरिंग को मैं क्या लिखूंगा, एफ आर इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस mg sin थीटा क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस साइड पे बढ़ता है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे sin थीटा बढ़ता है, तो sin थीटा ऐसे ऐसे बढ़ेगा तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसा लगेगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो हमें कौन सी साइन डालना पड़ेगा, माइनस साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हमको मालूम है साइन थीटा निकालेंगे, मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें थीटा लगा सकते हैं, और ये जो लेंथ है ना, यहाँ पे देखो ट्राइंगल आपको थोड़ा टिल्ट नजर आ रहा होगा इस तरह से, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दूर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा करीब है, तो ये लाइन कैसी हो सकती है आपकी, स्ट्रेट लाइन की तरह हो सकती है, स्ट्रेट लाइन की तरह हो सकती है, तो ये वाला एंगल क्या हो सकता है आपका, 90 हो सकता है, और ये थीटा है तो इस पे लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर ये भी 90 हो सकता है तो इसको 90 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस पे अगर साइन थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है आपका लेंथ, ये जितना लेंथ है उतना ये भी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, एक्स अपॉन एल हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन
हाइपोटेनस। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसको कैसे लिख देंगे, माइनस एम जी एज इट इज और साइन थीटा की जगह पे लिख दो एक्स अपॉन एल, ठीक है। और आपको मालूम है जब थीटा वेरी स्मॉल होता है, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस एम जी थीटा। अभी ठीक से समझो, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उधर बढ़ेगा फोर्स इधर आ रहा है, तो थीटा की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ठीक से देखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स में लिख सकता हूं, कैसे, मास जो है स्केलर अपना कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अर्थ पे क्या है कांस्टेंट है हर जगह पे, लेंथ भी जो है पेंडुलम की वो क्या है कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डेफिनेशन बन जाती है, ये डेफिनेशन किसकी बनती है, एसएचएम की। अगर आपको पहला वीडियो याद होगा तो पहले वीडियो में हमने लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें था कि लीनियर डेफिनेशन पार्टिकल का ऐसा मोशन है जिसमें क्या होगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट को। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो देयरफॉर वो वाली डेफिनेशन से हम बता सकते हैं कि हियर द पेंडुलम इज परफॉर्मिंग एसएचएम। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो बॉब है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इन दोनों को बैलेंस कर दो, इस फोर्स को क्या बता दो, रेस्टोरिंग फोर्स बता दो, रेस्टोरिंग फोर्स बताने के बाद साइन थीटा का वैल्यू लिख दो, माइनस साइन क्यों आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए आएगा, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आराम से प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वीडियो का आधा पार्ट, अभी करना है हमें टाइम पीरियड ढूंढना है, तो चलिए टाइम पीरियड ढूंढते हैं। चलिए दोस्तों अभी टाइम पीरियड निकालते हैं, उसके पहले हमें फोर्स क्या मिला है, फोर्स हमें मिला है एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, वे एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एल क्या है लेंथ, और एम जी हमें मालूम है, एम इज मास ऑफ द बॉब, इस बॉब का मास एम है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। टाइम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के डेफिनेशन का एक सेपरेट वीडियो बना है, उसमें सब एक्सप्लेन है, और इसी पे से हमने देखा था कि 2π और एक दूसरा फॉर्मूला बनता था, वो था एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये वाली भी हमने डेफिनेशन निकाली थी टाइम पीरियड के लिए, याद होना जरूरी है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2π अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करके हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो वापस इस पे जाओ, इसको बोल देता हूं फर्स्ट, ठीक है। दूसरा फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, बॉब पे लगने वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया सेकंड, दोनों भी क्या है बॉब पे लगने वाले फोर्सेस है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, दोनों साइड का मास मास कट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल, और हमें इस फॉर्मूले की तरफ देखो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो इस एक्स को मैं इधर लेके आता हूं, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल, ये हो गया। माइनस साइन क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में मैं कैसे लिखूंगा, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी अपॉन, चलो इसको थर्ड इक्वेशन में डाल दो, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ए अपॉन एक्स की जगह पे डाल दो जी अपॉन एल, इसी को ठीक से सॉल्व करेंगे 2π अंडर रूट, ये उल्टा हो जाएगा फिर एल अपॉन जी, बस यही क्या हो गया टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला मिल गया, कुछ दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल था, ये फोर्स हमें ऑलरेडी मिला है, फोर्स का दूसरा सिंपल फॉर्मूला हमें मालूम है, न्यूटन के सेकंड लॉ से दोनों को इक्वेट कर दो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा तो एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एक्स को इधर लेके आ गए तो ए अपॉन एक्स मिल गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड में उसको लिख लिया, इस वाले फॉर्मूले में डाल दिया, हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो लेकिन हमें ये चीज भूलना नहीं है कि टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला तभी मिलता है जब हम कुछ एजम्पशंस करते हैं, और एजम्पशंस हमें ध्यान में रखना है कि लेंथ बड़ी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, और एक ही प्लेन में क्या होना चाहिए, ऑसिलेशन परफॉर्म होना चाहिए, ये एजम्पशंस बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ठीक है, प्रोवाइडेड लेंथ मस्ट बी लार्ज, ठीक है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे मेन बात पता चलती है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करता। इस बॉब का मास कुछ भी हो, एक किलो हो, पचास किलो हो, क्या इस पहले एक किलो वाले बॉब को जितना टाइम पीरियड लगेगा, दस किलो पचास किलो वाले को भी उतना ही टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। सीईटी नीट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बॉब है दस किलो का, एक बॉब है सौ किलो का, दोनों पीरियडिक एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। और इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फिर से उसके लिए क्या चाहिए, हमें एजम्पशन चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो हो छोटा हो। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया तो अभी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करने लग जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा होना चाहिए। एम्पलीट्यूड छोटा होगा तभी इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा कर दिया तो एम्पलीट्यूड का भी हमें सोच में लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है, वो अभी हम पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अभी एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम। नाम में ही लिखा है कि ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, जिसका टाइम पीरियड हो दो सेकंड। सेकंड्स लिखा है, सेकंड मतलब सेकंड भी होता है दो वाला, और सेकंड मतलब ये वाला सेकंड भी होता है, ठीक है। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड मतलब यहां से स्टार्ट होगा मोशन, यहां पे जाएगा वापस आ जाएगा, तो ये जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने वाला टाइम जो है वो कितना टाइम लगेगा, उसको दो सेकंड अगर लगता है तो ऐसे पेंडुलम को हम बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज टू सेकंड्स इज कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है अभी हमने देखा, ठीक है। सेकंड्स पेंडुलम के लिए टाइम कितना होता है, दो सेकंड, therefore 2 is equal to 2 pi under root l upon g। लेंथ निकालना है सेकंड पेंडुलम का, लेंथ कितना होता है अर्थ पे, ठीक है। तो दोनों साइड का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा pi under root l upon g, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, therefore 1 is equal to pi square l upon g is equal to g, इधर आ जाएगा g is equal to pi square into length, therefore length is equal to g upon pi square। अर्थ के लिए क्या है, जी होता है 9.8 और ये पाई स्क्वायर भी होता है 9.8, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास क्या होनी चाहिए, सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ होनी चाहिए। अगर सेकंड्स पेंडुलम, अगर कोई पेंडुलम है उसका लेंथ अगर 1 मीटर है, ठीक है, उसका लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेकंड्स पेंडुलम बोल देंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम प्लैनेट्स चेंज करते जाएंगे या अर्थ से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, या फिर नीचे नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती है, डेप्थ में जाएंगे फिर भी जी की वैल्यू कम होती है, और सरफेस पे कितनी होती है, 9.8 होती है। तो ये जो लेंथ निकाली है हमने 1 मीटर, वो कहाँ पे आएगी, ऑन अर्थ सरफेस पे आएगी। जैसे जैसे प्लैनेट बदलेगा या फिर पेंडुलम की हम पोजीशन बदलते जाएंगे, वैसे वैसे पेंडुलम की लेंथ चेंज होती जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये था, लेकिन जो सेकंड पेंडुलम होगा उसका अर्थ पे जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 मीटर के आसपास होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि आइडियल पेंडुलम क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, हमने प्रूव किया कि जो पेंडुलम है वो एसएचएम परफॉर्म करता है डेफिनेशन का सहारा लेके, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकाला और सेकंड पेंडुलम नाम का छोटा सा टॉपिक देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।